डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनियाल आपका स्वागत करता हूं और अपील करता हूं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके सभी को फ़ायदा मिल सके। ओके, तो आज हम एक नया ड्रग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मैथाडोन। मैथाडोन आल्सो नोन एज डोलोफीन। ओके, डोलोफीन कौन सी कैटेगरी से है? दैट इज सिंथेटिक ओपियोइड एनाल्जेसिक। बेसिकली ये केमिकल कैटेगरी हो गई, केमिकल कैटेगरी हो गई, केमिकल क्लास हो गई। नाउ कौन सी किससे? दैट इज नार्कोटिक एनाल्जेसिक, मीन दैट इज फार्माकोलॉजिकल क्लास, फार्माकोलॉजिकल क्लास। ओके, ओपियोइड एनाल्जेसिक हम किसको बोलते हैं? जो मॉर्फिन से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं, मॉर्फिन से रिलेटेड ड्रग्स होती है, हम उनको क्या बोलते हैं? ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक या नार्कोटिक एनाल्जेसिक ये किस बेसिस पे है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन एज वेल एज देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए इसको सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह का नेचर होता है इसका, किस तरह का नेचर होता है। दैट इज सेलेक्टिव म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट, म्यू रिसेप्टर, दैट इज द टाइप ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर। ओपियोइड रिसेप्टर का टाइप होता है, ठीक है, दैट इज म्यू रिसेप्टर। ओके, म्यू रिसेप्टर का सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, तो जैसे ही पेशेंट को देंगे क्या होगा? बाइंड होगा म्यू रिसेप्टर में, कहां पे? सीएनएस में। ओके, सीएनएस में जाके ये क्या करेगा? एगोनिस्टिक इफेक्ट है, एगोनिस्ट है, तो क्या करेगा? ये जो एंडोजिनस पेप्टाइड्स होते हैं उन पेप्टाइड्स के एक्शन को मिमिक करेगा। मिमिक करने का मतलब जो एंडोजिनस पेप्टाइड्स एक्शन देते हैं वैसा ही एक्शन कौन देगा? मेथाडोन देगा। वो कौन कौन से एक्शन है? दैट इज एनाल्जेसिया, यूफोरिया, सेडिशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मियोसिस, जीआईटी मोटिलिटी डिक्रीज होगी एंड फिजिकल डिपेंडेंसी। द फिजिकल डिपेंडेंस दैट इज मीडिएटेड थ्रू म्यू रिसेप्टर। यूफोरिया दैट इज मीडिएटेड थ्रू म्यू रिसेप्टर एज वेल एज फिजिकल डिपेंडेंस पे जीपेट पे क्वेश्चन आ चुका है, दोनों पे, और फार्मासिस्ट एग्जाम पे भी क्वेश्चन आ चुका है। अगेन मियोसिस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर? दैट इज रिलेटेड टू म्यू रिसेप्टर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्शंस हम उसका यूज करते हैं टू द यूजेस। यूजेस यूजेज क्या होगा? सबसे पहला है जो एनाल्जेसिक तौर पे इसको यूज किया जाता है। एनाल्जेसिक में बेसिकली यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये दो फॉर्म में मिलता है, लिवोफॉर्म एज वेल एज डेक्स्ट्रोफॉर्म। ओके, लिवोफॉर्म एज वेल एज डेक्स्ट्रोफॉर्म। लिवोफॉर्म एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, डेक्स्ट्रोफॉर्म एंटीटसिव इफेक्ट देता है। एनाल्जेसिक का मतलब पेन से रिलीफ मिलता है, एंटीटसिव का मतलब होता है कि खांसी में रिलीफ मिलता है, टसिव कफ में रिलीफ मिलता है। तो जनरली इसको हम यूज करते हैं रैसिमिक मिक्सर के तौर पे, रैसिमिक मिक्सर के तौर पे ही इसको यूज किया जाता है। ओके, और इसकी एनाल्जेसिक पोटेंसी या पोटेंट कितना ज्यादा है? वो मोर्फिन और पैथिडीन से ज्यादा पोटेंट होता है, मोर पोटेंट होता है, मोर पोटेंट होता है। किससे? मोर्फिन एंड पैथिडीन से। ओके, तो मेनली इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट है और एनाल्जेसिक के तौर पे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज है इसका मेंटेनेंस थेरेपी फॉर व्हाट? जो मॉर्फीन या ओपियोइड लेके डिपेंडेंसी कैटेगरी में आ गए हैं, डिपेंडेंट हो गए किस पे? मॉर्फीन पे। तो उसको मॉर्फीन को हटाने के लिए, रिमूवल करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए पेशेंट से हम मेंटेनेंस थेरेपी दी जाती है, किसकी? मेथाडोन की। मींस ओपियोइड रिसेप्टर की जिनके साथ में डिपेंडेंसी हो गई उसको एज ए मेंटेनेंस थेरेपी दी जाती है, किसकी? मेथाडोन एज वेल एज डोलोफीन। ओके, नाउ लेकिन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? अगेन इट इज आल्सो पोटेंशियल फॉर एब्यूज, मींस इट कॉज साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस, क्लियर? तो
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल फॉर एब्यूज। क्लियर? तो इस तरह से हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा विच रिजल्ट्स एनाल्जेसिया, यूफोरिया, सेडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जिमियोसिस, जीआईटी मोटिलिटी डिक्रीज एंड फिजिकल डिपेंडेंस। यूज क्या होगा? एनाल्जेसिक एज वेल एज मेंटेनेंस थेरेपी फॉर द ओपियोड डिपेंडेंसी। ओके, कम टू द स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम। बहुत सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर को यदि हम देखते हैं तो इसमें दो फिनाइल है और एक कार्बन चेन है बड़ी सी। कार्बन चेन को मैंने इस तरह से लिखा है, देखेंगे इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन से हम नंबरिंग कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, तो 7 कार्बन हो गया। 7 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? एज इट इज अ सैचुरेटेड वन तो हम क्या बोलेंगे? हेप्टेन। ओके, कीटोन फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं सफिक्स में? ओन। कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। तो हमने क्या लिखा? 3-ON। ओके, नाउ इसके अलावा हमें क्या क्या लिखना है? ये तो हमारी बेसिक रिंग हो गई। एक तो हमारे पास ये है और एक ये है। ये दोनों की दोनों क्या है? फिनाइल रिंग है। ठीक है, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? दो मिथाइल है, दोनों मिथाइल पे किस पे है? एमिनो नाइट्रोजन पे। तो एमिनो ग्रुप बोलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल एमिनो। ओके, तो लिख देंगे अपन कैसे, किस पोजीशन पे देखेंगे? डाइमिथाइल एमिनो कौन सी पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे। तो 6 डाइमिथाइल एमिनो 4th पोजीशन पे। 4th पोजीशन पे क्या है? 4-4-diphenyl हेप्टेन 3-ON। ओके, तो इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे 6-डाइमिथाइल एमिनो 4-4-diphenyl हेप्टेन 3-ON। ओके, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको शायद इतनी देर में याद भी हो गया होगा। क्लियर? सिंथेसिस ऑफ मेथाडोन। मेथाडोन के सिंथेसिस के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एसीटोनाइट्राइल डेरिवेटिव लेते हैं। ये एसीटोनाइट्राइल डेरिवेटिव कैसे हैं? आप लोग याद रखने के लिए क्या बना रहा हूं मैं? CH3COOH। ये बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड में दो कार्बन है, इसी से हमें आपको याद करना है क्या? CH3CN। तो दो कार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे? एसीटोनाइट्राइल। ओके, इस तरह से एसीटोनाइट्राइल में दो कार्बन वाले एसीटोनाइट्राइल के दो हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया? फिनाइल से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एसीटोनाइट्राइल पे क्या हो गया? दो फिनाइल एसीटोनाइट्राइल, मतलब डाई फिनाइल एसीटोनाइट्राइल, ये इसका नाम हो गया। ओके, दूसरा, जैसा कि इसमें क्लोरीन है, तो क्लोरीन है तो ये कार्बन चेन पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड के नंबरिंग में कर रहा हूं 1, 2, 3, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है। सेकंड पोजीशन पे हम इसको क्या लिखेंगे? डाइमिथाइल एमिनो और प्रोपेन। क्लियर? तो 1-chloro-2-dimethyl एमिनो प्रोपेन। ओके, ये इस तरह से नाम हो गया। सिंपल सी चीज बनेगी, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे क्या होगा? सोडामाइड लेते हैं, सोडामाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं सोडामाइड। सोडामाइड का फॉर्मूला NaNH2। तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है। क्या होता है देखना, ये सोडियम NaCl ले लेता है और इस H को कौन लेके चला जाता है? NH2। क्यों? ये बहुत स्ट्रोंग एल्किली नेचर का होता है, इसीलिए जैसे ही ये निकलता है तो क्या बाहर निकल गया? NaCl बाहर निकल गया और NH3 बाहर निकल गया। क्लियर? और ये दोनों आपस में जुड़ गए, और ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। इस तरह से हमारी एक रिएक्शन होती है, पहली कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे नाइट्राइल को ओपन करके लिखा है। इसको समझने के लिए ध्यान देना, नाइट्राइल पे नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज रहता है। क्यों?
क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इस तरह से पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, क्लियर। नाउ यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं आर एम जी एक्स, क्या होता है इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात क्या होती है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, ये होता है रिच सोर्स, सोर्स ऑफ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, ओके। ध्यान देना कैसे, यहां पे मैं आर की जगह लेता हूं सी एच थ्री सी एच टू, एम जी एस सच रहेगा, एक्स की जगह मैं ब्रोमीन ले रहा हूं, ओके। तो यहाँ पे रिच सोर्स ऑफ कार्बन एनायन कैसे होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज, इस तरह से यहाँ पे ये सी एच थ्री सी एच टू पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिए हुए है, तो ये क्या करेगा, कहाँ अटैच होगा, ये एज सच कार्बन पे चला जाएगा, क्यों, कार्बन पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो ये इस कार्बन पे दोनों ही आ गया, और नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव है तो ये MgBr यहाँ के अटैच हो गया, क्लियर। इस तरह से ये हमारा जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा प्रोडक्ट हो गया, दैट इज एडक्ट। एडक्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एडक्ट का मतलब हो गया कि एक मॉलिक्यूल पे दूसरा मॉलिक्यूल आस तक जाके अटैच हो गया, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज एडिशन रिएक्शन। जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमें एडक्ट मिलता है, हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, ओके। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दैट इज आवर थर्ड रिएक्शन, क्लियर। नाउ एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा ये वाला, और H2O की बात करें, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर चला जाएगा, तो क्या निकलेगा बाहर, मैग्नीशियम के साथ में ब्रोमीन तो जुड़ा हुआ ही है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, वो दो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल वाले ले लेगा, और इस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन कहाँ आके अटैच हो गया, हमारे कार्बन पे। इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बन गया मेथाडोन, क्लियर। और जैसा कि हम इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेथाडोन की, इसकी स्ट्रक्चर में दिख रहा है, तो आपको देखा होगा चिरल सेंटर है, चिरल सेंटर याद रखना, चिरल सेंटर में उसका दो आइसोमर होते हैं, लिवो आइसोमर एंड डेक्ट्रो आइसोमर, जिसको हम प्लस माइनस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें रैसिमिक मिक्सर मिलता है, क्लियर। और रैसिमिक मिक्सर ही हम यूज करते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था यूजेज में, क्लियर। अब यहाँ पे यदि इसको हमें सेपरेट आउट करना है, तो सेपरेट आउट करने के लिए हमें थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। रैसिमिक मिक्सर इज द क्या होता है, इक्वल प्रपोर्शन ऑफ एनेंशियोमर्स, ओके, इक्वल प्रपोर्शन। तो एनेंशियोमर्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, एक दूसरे एनेंशियोमर उनके साथ रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड जो डेक्ट्रोफॉर्म वाला होगा, तो उससे क्या बनेगा, एनेंशियोमर और एनेंशियोमर दोनों डायस्टीरियोमर बनाएंगे, डायस्टीरियोमर बनाएंगे, और डायस्टीरियोमर्स क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, हम इनको सेपरेट आउट कर लेंगे, सेपरेट करने के बाद में उसका हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद में हमें प्लस फॉर्म और लिवो फॉर्म दोनों हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथाडोन के मिल जाएंगे, क्लियर। इस तरह से हम इसको रैसिमिक मिक्सर में भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल आइसोमर में भी ऑब्टेन कर सकते हैं, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ मेथाडोन। मेथाडोन का वापस हम रिवीजन के तौर पे बात करते हैं, तो डाइफिनाइल एसिटोनिट्राइल की रिएक्शन हम क्या करवा रहे हैं, एल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव से कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सोडा मेट सिंपली कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, NaCl NH3 बाहर निकल जाता है, और ये दोनों दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में
जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में नाइट्राइल पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करवा रहे हैं, ये एडक्ट बना, एडक्ट बनने के बाद में इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला NMGR बाहर निकल जाएगा ग्रुप, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन डेरिवेटिव, दैट इज आवर ड्रग मेथाडोन, दैट इज racemic मिक्सर एज इट पजेस चिरल सेंटर। ओके, इस कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं, चिरल सेंटर और चिरल कार्बन, क्लियर। और यदि हमें racemic मिक्सर रखना है तो हम यहाँ ही रुक जाएंगे, और racemic मिक्सर में हमें यदि सेपरेट करना है तो उसका डायस्टीरियोमर टार्ट्रिक एसिड के साथ बना के हम उसको सेपरेट करेंगे फिजिकल मेथड के साथ, क्लियर। ये है हमारा पूरा कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ मेथाडोन। डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपसे अपील करना चाहूंगा, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यही हमारा मोटिवेशन है, यही हमारा इंस्पिरेशन है आगे नेक्स्ट लेक्चर बनाने के लिए। आप कंजूसी ना करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास में इस लॉकडाउन में पहुंच सके, वो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। ओके, यदि हम इस मेथाडोन का हम रिवाइज करते हैं कंप्लीट वीडियो, तो हमने क्या क्या पढ़ा, इसका मैकेनिज्म एक्शन पढ़ा, मैकेनिज्म एक्शन के बेसिस के पे हमने इसका यूजेस पढ़े, यूजेस के बाद में इसका स्ट्रक्चर और आईपीसी नाम पढ़ा, और उसके बाद में हमने इसका सिंथेसिस पढ़ा, ठीक है। यदि एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेनली इस पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेथाडोन, तो हमें जितना भी मैंने वीडियो में पढ़ा है पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, और यदि राइट शॉर्ट नोट ऑन या सिंथेसिस ऑफ मेथाडोन तो आपको ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, क्लियर। आप यहाँ पे यदि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करता हूँ तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या है, यहाँ पे एक तो कौन सा, म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट याद रखना, और जो म्यू रिसेप्टर मीडिएटेड सेवन आपको मैंने बताए थे जो एक्शन थे वो सारे के सारे याद रखने हैं। ओके, और इसकी एक पोटेंसी याद रखनी है कि ये मेथाडोन किससे ज्यादा पोटेंट होता है, मॉर्फिन एंड पैथिडिन दोनों से ज्यादा पोटेंट होता है, और इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट किस आइसोमर से आता है, और एंटीटसिव इफेक्ट किस आइसोमर की वजह से आता है, ठीक है। ये है हमारा पूरा का पूरा मेथाडोन का ओवरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।